आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहकारी डॉक्टर भागवत कराड़ जी, महाराष्ट्र के हमारे मंत्री संदीपान भोमरे जी, हमारे दूसरे मंत्री और जालना के गार्डियन मिनिस्टर अतुल सावे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के माजी अध्यक्ष आदरणीय हरिभाऊ जी बागड़े, विधान परिषद के अपोजिशन पार्टी लीडर अंबादास जी दानवे, हमारे लोकसभा के साथी इम्तियाज जलील भाई, हमारे विधायक सतीश जी चौहान, हमारे दूसरे विधायक संजय जी सिरसा, मंच पे उपस्थित सभी साथीगण, हरी सभा में उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र में हमारे वरिष्ठ मंत्री अश्विनी जी का स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने आज खास करके संभाजीनगर और जालना में आने के लिए हमें समय दिया। अब कोई भी वरिष्ठ मंत्री जब आते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को अपनी मन की भावना व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है। और जब मेरे पहले के हमारे साथियों ने बोला है वो सही है, ये मांगे तो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। जब जब डेलीगेशन सेंट्रल में गया, उस डेलीगेशन के साथ मैं भी रहा था। मैं पहले एमएलए था, बाद में एमपी बना, लेकिन मांगी हुई थी कि मनमार से लेकर तो निजामाबाद तक दूरीकरण होना चाहिए, मनमार से लेकर मुखेल तक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, हमें साउथ सेंट्रल से निकाल कर हमें सेंट्रल में डालना चाहिए। यही थे ना जलील साहब बड़ी बड़ी मांगे। लेकिन आपने भी जो मांगे की अभी कि मराठवाड़ा ये पिछड़ा भाग है, रेल का नेटवर्क नहीं है, ये बात को मैं इम्तियाज जलील जी के साथ सहमत हूँ कि मराठवाड़ा में रेलवे का नेटवर्क नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ब्रिटिश के जमाने के नहीं, हम निजाम स्टेट में थे और निजाम था इसलिए हम पिछड़े हैं, क्योंकि निजाम को रेल की जरूरत नहीं थी। निजाम को रेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप मोदी जी की सरकार आई। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ जलील भाई कि मराठवाड़े का नेटवर्क बढ़ेगा। और आपने बात औरंगाबाद की कि औरंगाबाद का हर और आता नहीं है। एक बार मैं आपको कई बार बोला, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त है अपोजिशन के, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत पक्की है। मैं तो मानता हूँ, सबको बोलता हूँ, मैं अश्विनी जी को भी बोलता हूँ, आदमी तो एमआईएम का है लेकिन लगता ये बीजेपी का है कि क्या। अरे मांगे तो मांगनी थी आपने छत्रपति संभाजी नगर के लिए, आप मांग रहे औरंगाबाद के लिए, तो अगर मांगते तो हो जाता था। आप मुझे बताओ कि कौन सा रेलवे का रूट है कि जो आर ओ आर के कारण नहीं कर रहे हम, कौन सा रूट है? ऐसा नहीं है। और आप मोदी जी की सरकार है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जहां भी काम करने की जरूरत है उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जब रेल का बजट आया, भारत सरकार का बजट आया, तो आपने आपकी जिम्मेदारी निभाई जो कि 25 साल हम निभाते थे कि भैया महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के, क्या बोलते, हिंदी का मराठी का ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं जमता, पाने कुछ नहीं तो डाला केंद्र सरकार ना,
सही तो बजट के पहले एक दिन भी आप ये प्रतिक्रिया देते तो अच्छा हो जाता था, कुछ दिन नहीं देते थे। लेकिन मैं आप सबको बोलता हूँ कि 2009 से 14 तक इस महाराष्ट्र को केवल 1100 करोड़ रुपए मिलते थे महाराष्ट्र के लिए। जब अश्विनी जी आए, मोदी जी की सरकार आई, 11000 करोड़ महाराष्ट्र को मिले, 11000 करोड़। 10 टाइम इजाफा हुआ है, 10 टाइम। और इस पैसे से महाराष्ट्र में ही काम होने वाले हैं, ये पैसा महाराष्ट्र में खर्चा करेंगे। और जहाँ जहाँ डबलिंग का काम है, क्या 3 मांगे तो मैंने आपको बोला, एक थी दूरीकरण करो, दूसरा था इलेक्ट्रिफिकेशन करो, और तीसरा था साउथ सेंट्रल से निकालो। 2 मांगे तो लगभग पूरी हो चुकी है। 2023 तक इस देश में जहाँ भी डबलीकरण है वहाँ सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ का उद्घाटन माननीय मंत्री जी से पूछकर हमने शुरू भी किया है, और ये दिसंबर तक लगभग मुझे ऐसा लगता है ट्रेन इलेक्ट्रिक पे चलेगी। अब हमें टिका टिप्पणी भी तो करने वाले होते, डीजल में चलती तो क्या फर्क पड़ता, और इलेक्ट्रिक पे किया तो क्या फर्क पड़ता, ट्रेन तो चलती थी, ऐसा नहीं है। अगर 100 रुपये डीजल पे खर्चा आता है तो इलेक्ट्रिक पे 30 रुपये में चलती है ट्रेन। अरे तो देश का पैसा बचेगा ना, ये 10000 करोड़ जो मिले अपने को, इससे और ज़्यादा काम हो सकते हैं। और दूसरी मांग थी, अभी मनमाड़ से लेकर तो संभाजीनगर तक, छत्रपति संभाजीनगर तक हम दूरीकरण का लगभग DPR बन के रेलवे बोर्ड को हमने दाखिल कर दिया है। 2 तो लगभग पूरी हो गई है। अब रही साउथ सेंटर से, वो डॉक्टर साहब बार बार बेचारे आते हैं, मंत्री जी के पास बैठते हैं, देखेंगे। एक तो बाकी रही, और पॉलिटिकली मुद्दा ये साहब, अगर वो भी खत्म कर दिया तो अगले चुनाव में तुम लोगों को क्या बोलेंगे, तुम्हारी चिंता करें, तुम्हारे हाथ में कागज ही नहीं रहेगा कुछ, एक तो रहने दो तुम्हारे पास। तो मोदी जी की सरकार में रेल के नेटवर्क के बारे में पूछो मत, इतना सारा पैसा खर्चा हो रहा है। और हमें अश्विनी जी ने बोला है कि दानवे जी, महाराष्ट्र में जहाँ कभी कोई पैसा लगेगा देने के हम लिए हम तैयार है। बुलेट ट्रेन बना रहे हम, 400 वंदे भारत ट्रेन, उसमें से 100 वंदे भारत ट्रेन तुम्हारे मराठवाड़ा में लातूर जिले में बना रहे हैं, लातूर जिले में। एक्चुअली समय की कमी है, नहीं तो हम दोनों आज लातूर जाने लगे थे, वहाँ हमारा डिपो तैयार है। 100 वंदे भारत ट्रेन मराठवाड़ा में बन रहे। ये संभाजीनगर है, संभाजीनगर नहीं है साहब, ये 8 जिलों का बना हुआ संभाजीनगर है, ये जिले का नहीं है, ये हमारा मराठवाड़ा है। और लातूर में काम हो, जालना में काम हो, धाराशिव में काम हो, या बीड में काम हो, हम सब मिला के ये संभाजीनगर बना है। और इस संभाजीनगर के काम के लिए हमारे मंत्री जी को हमने बार बार सूचित किया है कि यहाँ क्या होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, समृद्धि महामार्ग आया है, जैसे 16 फुट तक पे नेशनल हाईवे हुआ है, कई हुए। और पॉलिटिकली अश्विनी जी, डॉक्टर साहब, अरे पॉलिटिकली कितने साउंड बन गए यार अपने, पॉलिटिकली भी कितने मंत्री है संभाजीनगर में। भूमरे साहब मंत्री बन गए, हमारे अब्दुल साहब सत्तार साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर करार साहब मंत्री बन गए, सावे साहब मंत्री बन गए, मैं भी आपका एक आधा हिस्सा हूँ मंत्री बनने का। अपने अंबादा दानवे अपोजिशन पार्टी जो अपने में अंकुश रखने वाले, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, डंडा लेके हाथ में खड़े है। तो इतने सारे लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट का अगर परफॉर्मेंस बताया तो कितना काम होने वाला है। मैं रेल क्या कर रहा है मैं नहीं बताऊंगा, हमारे मंत्री जी आए, जब मंत्री जी आए तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं होता है, क्या बोलूँ मैं, मंत्री जी बोलेंगे खुद। तो अपने अपने डिपार्टमेंट का अगर परफॉर्मेंस आप बताएंगे तो मुझे लगता है ये संभाजीनगर बहुत ही कम दिनों में नासिक, ठाणे, पुणे के सब बराबर जाने वाला है, ये बात समझ के आप चलो। और आज अपनी आप पिट लाइन का उद्घाटन किया, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा, खास मंत्री से आग्रह करके मैंने बोला, मैं संभाजीनगर से आता हूँ, मैं जालना से आता हूँ, लगभग 200 स्टेशन इस देश में हम स्टेशन डेवलपमेंट में लिए हैं। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया, यहाँ से मैं आता संभाजीनगर से, यहाँ से मैं आता जालना से, अगर तुम 200 बना रहे और मेरे ये 2 नहीं बने तो साहब मुझे जरा टोकने वाले हैं, जलीन साहब है, अंबादा दानवे भी आजकल टोकना शुरू कर देंगे हमको, तो मेरा क्या होगा। तो साहब ने मान लिया और संभाजीनगर के लिए लगभग 180 करोड़ रुपया खर्चा करके ये स्टेशन अपना बनने वाला है।
मुझे बताओ अगर साहब आज नहीं आते, प्रेजेंटेशन नहीं होता, उन्होंने बार बार दिल्ली में बैठकर ये डिजाइन बनाया। खाली मेरी एक सुझाव था कि यहाँ पर एलोरा केव्स है, उसकी थीम लेना चाहिए। साहब ने बोला ठीक है, आपको जैसा लगा वैसा करो, वो हमने एलोरा की थीम ली है। जालना में भी हम 167 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ का भी स्टेशन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने मुँह से आगे आने वाले जलील साहब जब भी कभी आप भाषण में बोलेंगे तो ये बोलो कि अश्विनी वैष्णव जी थे तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, अश्विनी वैष्णव जी थे तो दूरीकरण हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी थे तो 180 करोड़ रुपए का स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है। आर ओ आर लेके मत बैठो, खाली आर ओ आर पे आर ओ आर तो मैं भी निकाल सकता हूँ। साहब के लेवल के काम बोलो, मैं करने में मदद करूँगा। धन्यवाद।